बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर पोस्टर वार जो है वो शुरू हो चुका है। नीतीश के मुंबई पहुंचने से पहले ही उनके पीएम पद के दावेदार वाले पोस्टर वहां चस्पा कर दिए गए हैं। सड़कों पर आपको नजर आएंगे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार के पोस्टर जो है वो चस्पा किए गए हैं मुंबई की सड़कों पर। पीएम पद का उम्मीदवार नीतीश कुमार को बताया गया है। इन पोस्टर में ये लिखा है कि देश मांगे नीतीश कुमार। इससे पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी केजरीवाल को पीएम पद का उम्मीदवार बता चुके हैं। 28 राजनीतिक पार्टियां और उनके 63 प्रतिनिधि इस वक्त मुंबई में इंडिया मीटिंग के लिए आए हैं और वे एकजुट होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन शहर में अलग अलग ठिकानों पर हमें अलग अलग पोस्टर दिखाई दे गए हैं। अब आप इस पोस्टर को देखिए जो मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, अगर आप एयरपोर्ट से लेकर के उस जगह तक जाएंगे जहां पर ये इंडिया मीटिंग हो गई है, तो आपको रास्ते में इस तरीके के कई पोस्टर दिखाई देंगे जिस पर लिखा गया है देश मांगे नीतीश। अब एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन ये दावा करता है कि उनमें कोई मतभेद नहीं है, प्रधानमंत्री को चेहरे को लेकर के वो कहते हैं कि हमारे पास कई चेहरे हैं, चुनाव आने के बाद हम तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन हमने देखा कि पहले कांग्रेस के जो नेता हैं वो राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ा गए थे, शिवसेना के लोग उद्धव ठाकरे का नाम चाहते हैं, और अब यहाँ नीतीश कुमार के भी समर्थन में पोस्टर लगे हुए दिखाई दे गए हैं। दूसरी तरफ जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया के भी पोस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, और यही वजह है कि लगातार ये सवाल खड़े हो गए हैं कि इस इंडिया मीटिंग में किसी कन्वेयर का नाम, किसी संयोजक का नाम, इसको लेकर के कोई सहमति क्यों नहीं बन पा गई। और शायद यही वजह है कि इंडिया गठबंधन चाहता है कि एक अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, कोऑर्डिनेशन कमेटी अलग अलग मुद्दों के हिसाब से बने, नेशनल मुद्दों के लिए अलग कमेटी बने, ताकि कहीं पे भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो। लेकिन इस तरीके के पोस्टर ये बताते हैं, और खास तौर से जो विपक्षी एकता है उस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, नव भारत।